दोस्तों सीआई और एसआई का शानदार ट्रिक सिर्फ आपके लिए। देखिए अगर पी इज इक्वल टू 10,000 रुपए, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष, तो एसआई बराबर आर इंटू टी यानी 10 × 2 यानी 20%। कैसे? 10,000 का 20%, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, हो गया आपके 100 × 20 यानी 2,000 रुपये। अब सी आई में आते हैं हम लोग, पी बराबर 12,000, आर बराबर 10%, टाइम बराबर 2 वर्ष, तो सी आई बराबर होता है एस आई प्लस आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, के 2 अंक पहले हो गया, दशमलव से 2 अंक पहले आएंगे हम लोग। यहाँ आपको एस आई आर प्लस आर स्क्वायर, आर है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर, तो ये सही हो गया आपको 10 × 20 और आर स्क्वायर हो गया 100। दशमलव के 2 अंक पहले आना है, तो यह एक हमारा इधर कैरी हो जाएगा, हो गया हमारा 21.00, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, हो गया 21%। अब हम लोग मूलधन पर 12,000 रुपया मूलधन पर निकाल देते हैं, 12,000 रुपया का 21%, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, आपको हो जाएगा यह 21/2520, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं कैसे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज में हम लोग बात करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट की एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आज हम लोग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हम लोगों को, दोस्तों जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसको जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आर इंटू टी बाई 100। एंड चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100/n। तो यह हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं साधारण ब्याज का। में सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें आवश्यक होती है, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं हम लोग मूलधन, आर यानी दर जिसको हम लोग प्रतिशत में लिखते हैं, टी यानी टाइम, समय, समय होता है दिन में होता है, महीने में होता है, छमाही होता है, वर्षमाही होता है। उसके बाद आपको होता है ए, ए से होता है एडिशनल अमाउंट, मिश्रधन। अब हम लोग साधारण ब्याज के जो पहले सूत्र हैं होते हैं, हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, होता है ए, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई इजकल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये 4 चीज होते हैं। 4 चीज में आपको होते हैं सी आई में 4 चीज होते हैं, एक होता है पी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, आर दर प्रतिशत में होता है, उसके बाद टी टाइम समय दिन महीना में होता है, ए यानी एडिशनल अमाउंट मिश्रधन। उसके बाद दोनों में ही हम लोग निकालते हैं, इसमें आपको सी आई और इसमें एस आई में हम लोग निकालते हैं। हम लोग सी आई का सूत्र आज तक पढ़ते आए हैं, सी आई का सूत्र होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100/n। अब एन जो है वह टी हुआ, टी टाइम समय, तो हम लोग इसको निकालते हैं और इस पर हम लोग एक मूलधन ले लेते हैं। मानते हैं कि मूलधन बराबर हो गया 5,000 रुपया
दर आपको हो गया आर 10%, टाइम हो गया आपको 2 वर्ष। तो हम लोग इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो हमारा यह सूत्र इस सूत्र के हिसाब से होगा पी यानी 5000 गुना आर हो गया 10%, उसके बाद समय हो गया 2 वर्ष हो गया। अब जो ये बाटा में 100 है, ये बाटा में 100 आता कहाँ से? तो यह 10% जो है यही प्रतिशत यहाँ से हटता है और यह बाटा में 100 बन के आ जाता है। अब यहाँ हम लोग करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया हमारा 50 गुना 10 गुना 2। तो 50 गुना 10 500 गुना 1000 रुपया। लेकिन इसको यह तो आपके बेसिक तरीका होगा, क्योंकि सबसे पहले बेस पढ़ना जरूरत है, क्योंकि बिकॉज द बेस इज पावर। तो इसको लेकिन सूत्र के हिसाब से, एक अलग सूत्र से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। SI बराबर होता है, उस सूत्र में SI बराबर होता है R इंटू टी। अब जो है आपको R इंटू टी, तो R हमारा कितना है 10%, टी हमारा है 2 वर्ष, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे 10 गुना 20%। अब देखिए सूत्र पर कैसे होता है, तो सूत्र प्रश्न पर कैसे होता है, तो प्रश्न है हमारा 5000 का 20%। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है बटा में 100। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया हमारा 50 गुने 20। 50 गुने 20 बराबर होता है 1000। तो इस सूत्र के हिसाब से भी यह हुआ और यह इस सूत्र के हिसाब से हुआ। बेसिक सूत्र आपका ये है और यह सूत्र आपका यह हुआ। अब हम चलते हैं सी आई में फिर हमारा मूलधन ले लेते हैं 6000 रुपया, दर ले लेते हैं हम 10%, टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष। तो हम लोग इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे तो होगा क्या, A=P(1+RV100)N हमारा सूत्र है। तो P हमारा है 6000 रुपया, 1+R हमारा है 10% / 100/N जो है हमारा 2 वर्ष है। तो हम 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा यह हमारा 6000 रुपया हो गया 1+1/10 × 2। 6000 × इसको हम करेंगे LCM बटा पर का जोड़ 10 + 1 = 11 का स्क्वायर। तो 6000 × 10 = 11/10 का स्क्वायर, यानी 6000 में 11/10 से 2 बार गुना, 11/10 से गुना हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कटा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया यह हमारा 60 × 11/121। इसको हम लोग गुना करेंगे 6 × 6 = 12, 2 × 6 = 6 = 7, 1 जीरो का 1 जीरो 7260 रुपया। ये हमारा हो गया मिश्र धन। अब इसमें हम लोग को ब्याज निकालना है, यानी सी आई बराबर होगा A - P। तो A है हमारा 7260 और P है हमारा 6000, तो इसमें से 6000 घटाएंगे तो 1260 रुपया। ये हमारा जो आज तक हम लोग सूत्र से पढ़ते आए हैं उस सूत्र के हिसाब से है। अब हम लोग एक अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस सूत्र के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, चूंकि पहले SI में हम लोगों ने पढ़ा है कि SI बराबर होता है R इंटू टी, तो CI में भी हम लोग उस SI का प्रयोग करेंगे और उसको प्रयोग करके बनाते हैं। CI बराबर सूत्र लिखेंगे SI + R² हो गया, ये तो R का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग R का जो स्क्वायर करेंगे, जैसे R मेरा 10% है तो 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, उसी प्रकार 5 होता है, किसी भी R का हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या वो है, दशमलव
यानी जो भी संख्या आएगा हम लोगों का स्क्वायर में दर, उसको हम लोग दाहिने से दो अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, यानी दशमलव दो अंक बाद, दशमलव दो अंक बाद हम लोग बैठा देंगे। अब यहां हम लोग देखते हैं हमारा एसआई कितना है, 10, आर है हमारा 10%, तो हम लोग 10 को स्क्वायर करेंगे प्लस एसआई, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 100, तो दशमलव बैठाना हम लोगों को, एक अंक बाद बैठा दिए। अब हमारा एसआई कितना है, आर इंटू टी, तो आर इंटू टी हम लोग करते हैं, आर जो है हमारा 10 है और टी हमारा 2 है, तो इसको करेंगे 10 × 20। अब हमारा इधर जो है दशमलव, इसको कैरी कर देंगे इधर, इधर इसको ले आके इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा यह 20 जोड़े 21%, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 21% हो गया। अब हम सी आई हमारा अब आ गया, सी आई कैसे आ गया, तो हमारा मूलधन है 6000 का 21%, परसेंट परसेंट से दो जीरो कट गया, बचा कितना है 21 × 60, 60 × 21, इसको गुना हम लोग करेंगे तो 6 × 6 = 12, 10 है 1260 रुपया, ये हमारा सूत्र आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं कुछ अगले प्रश्न को लेकर।